दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इन अधिकारियों में एक डिप्टी सेक्रेटरी और 2 SDM शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि एक मामले में इन्होंने ढील दी, जिससे भ्रष्टाचार हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। बताते चले कि इससे पहले सांसद मनोज तिवारी की 1 साल पुरानी अस्पताल बनाने में गड़बड़ी की शिकायत पर उपराज्यपाल ने ACB जांच का आदेश भी दिया था। हालांकि उपराज्यपाल के इस फैसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विरोध दर्ज करा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर किसी जनसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो जांच एजेंसी इस मामले में तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक कि सरकार इसकी इजाजत ना दे। लेकिन इस मामले में निर्वाचित सरकार से इजाजत नहीं ली गई। दिल्ली के डिप्टी CM ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मुताबिक ऐसी किसी भी शिकायत पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होता है, जबकि इस मामले में शिकायत किए हुए तकरीबन 1 साल का समय हो चुका है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर आप उठाकर देखेंगे तो दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद की खबरें रहती हैं। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी दिल्ली सरकार के मतभेद की खबरें थी, लेकिन विनय कुमार सक्सेना के उपराज्यपाल बनने के बाद भी एक बार फिर से दिल्ली सरकार और LG के बीच मतभेद की खबरें आने लगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।